नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। रहस्य शो में आज बात करेंगे एक ऐसी आस्था की जिसे विज्ञान अंधविश्वास कहता है, लेकिन ये आस्था इतनी गहरी और सबूत इतने पक्के हैं कि विज्ञान और तर्क बेमानी हो जाते हैं। आज रहस्य शो में सबूतों वाली आस्था का सफर भगवान महादेव के एक ज्योतिर्लिंग का है। तो आइए चलिए आस्था के सफर पर और खुद देखिए शिव पार्वती के आने के सबूत। यकीन मानिए, इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस विंध्याचल पर्वत के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार पर्वतराज ने भगवान शिव की तपस्या की, खुश होकर महादेव प्रकट हुए। इस मौके पर कई ऋषि और देवता भी मौजूद थे। भगवान शिव से ऋषियों और देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आप यहीं निवास कीजिए। जिस जगह पर देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर भगवान शिव ने निवास करने का फैसला किया, उसे ओंकारेश्वर कहते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर धाम के साथ ये मान्यता है कि हजारों साल पहले राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वर मांगा। भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो मानधाता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस ओम पर्वत पर विराजमान हो, और कहा जाता है तभी से यहां पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इसी मानधाता पर्वत पर है ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल की गोद में, दिल्ली से 1000 किलोमीटर का सफर करके विंध्याचल के घुमावदार रास्तों को पार करके न्यूज 24 की टीम के ओंकारेश्वर आने की वजह दूसरी है। हम पुराण की वो कहानी सुनकर आए जिसमें ओंकारेश्वर का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। प्रसिद्ध है कि रात के पहर ओंकारेश्वर में कुछ ऐसा होता है जिससे यहां महादेव के आने के साक्षात सबूत मिलते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ जी दिन भर भले ही कहीं भी घूमे, किसी भी अपने धाम में घूमे, लेकिन रात्रि में विश्राम करने के लिए माता श्री पार्वती जी के साथ में यहीं पर आते हैं।